गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब बच्चे? आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर। एंड टुडे वी डू हैव दिस सेट फोर प्रैक्टिस फॉर द एलटी, सुपर टेट, टेट एंड सी टेट। सो गाइज, आई हैव टेकन टुडे द मिक्स ऑफ द क्वेश्चंस, सो वी वुड बी डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। सो सभी बच्चे लाइव आ जाएं। जया, नाजिया, रुचि, फरहा, रूबी, रीना, नितेश, अर्चना, अंकिता, अलका, जायरा, सभी बच्चे वेलकम हैं यहाँ पे जी। ऑल राइट बच्चों, ठीक है जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस स्टार्ट दिस प्रोग्राम। और सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे स्पॉटिंग द एरर्स। होप कि सब बच्चे देख पा रहे हैं। स्पॉटिंग द एरर्स को हम देखते हैं बच्चों, और सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रोग्राम यहां पे दिया गया है सामने आपके, डायरेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, यानी कि 10 क्वेश्चंस वी वुड बी टेकिंग बेस्ड ऑन द कॉमन एरर्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड एरर, द एरर विल बी इन द वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट गाइस, हाँ जी, जो बच्चे करियर बिल के बारे में पूछ रहे हैं, आज वाली क्लास वहां पे नहीं होगी, है ना, कल आपकी क्लास होगी। तो बच्चे देखो, एरर विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बताइए, सेंटेंस आपके सामने है, आई एम नॉट हंग्री, बिसाइड आई डू नॉट लाइक एग्स, या फिर नो एरर बनेगा। तो आंसर करें सब बच्चे, क्या आंसर इसमें होना चाहिए? रीना इज सेइंग दैट इट वुड बी बिसाइड्स। ओके, बाकी बच्चे बताएं किस पार्ट में हमारी गलती है, पार्ट वन यानी कि ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी? यस बच्चों, हां जी बिल्कुल, संडे ऑफ होता है करियर विल पे, इसीलिए क्लास नहीं है बच्चों वहां पे। तो सब बच्चे बताएं आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कई बच्चों ने। एक्चुअली देखो क्या बनेगा, आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूं, बिसाइड आई डू नॉट लाइक एग्स। जब आपको बिसाइड लगाना, तो बिसाइड का मीन्स बेसिकली होता है पास में, यहां पर आपको बच्चों क्या लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स। आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। तो अगर आप देखेंगे गलती हमारी बी पार्ट में है, तो इट वुड बी बिसाइड्स। तो बजाय बिसाइड के बिसाइड्स बनेगा। बिसाइड का मीन्स होता है पास में, जबकि बिसाइड्स का मीन्स होता है के अलावा, यानी कि मैं हंगरी तो हूं लेकिन मैं इसके बावजूद भी क्या, एग्स को लाइक नहीं करता। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? हां जी बिल्कुल रोहित, पेपर वन पेपर टू सबके लिए है ये, ये सभी में रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगेन हमारा वही क्वेश्चन है बच्चों, आपको फाइंड आउट करनी है एरर। इकोनॉमिक्स आर नाउअडेज इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन ऑल कॉलेजेस, या फिर नो एरर बनेगी। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सी एरर है, सब बच्चे फाइंड आउट करें। बी, ए, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम बच्चों ने पकड़ ली है बात। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब बच्चे देखेंगे, कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं होता, द टाइम वी यूज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। और जब इकोनॉमिक्स बनेगा तो हमेशा सिंगुलर बनेगा, तो कभी भी इकोनॉमिक्स आर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इकोनॉमिक्स इज, क्योंकि क्या बन चुका है, एक सब्जेक्ट बन चुका है। करेक्ट हो रहा है सब बच्चों को? जी बच्चों बिल्कुल सही बात है, हां जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड रुचि, आशु, सभी बच्चों ने, अंशु, सभी बच्चों ने करेक्ट कर दिया है आंसर। तो इकोनॉमिक्स इज बनेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए पार्ट में हमारी गलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन ही हैड गॉट व्हाट ही वांटेड, ही हैज गोन होम, या नो एरर, बताइए इसमें क्या गलती बनेगी। जी संजीव गुड इवनिंग, जी संध्या गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहां पे क्या लिखा है, व्हेन ही हैड, देखो क्या लिखा है, पहला पार्ट आपका पूरा पास्ट में है। व्हेन ही हैड गॉट व्हाट ही वांटेड, जो वो चाहता था वो उसे मिल गया, तो ही हैज गोन होम, वो घर चला गया है, गलत, वो घर चला गया, तो कैसे बनाएंगे, ही वेंट होम, करेक्ट हो रही है बात कि नहीं, इसको भी हम किसमें बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे, तो यहां पर वेंट आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी। जी अंशु बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है फरा, तो आंसर बच्चों हमारा यहां पे बन जाएगा डी, क्योंकि इसमें ही हैज गोन की जगह पे वेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
अगेन आपको एरर फाइंड आउट करनी है ऑफ द टू प्रोपोजल्स, ध्यान से देखेंगे, ऑफ द टू प्रोपोजल्स वी थिंक द सेकेंड इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। तो बताइए इसमें कहां गलती आपको मिलेगी, वे शुड बी द एरर। जी बिल्कुल सही बात है, ऑल राइट, करेक्ट हो गया है, ए आंसर आपने ही ना कहा है, ऑल राइट। सब बच्चे ध्यान से देखिए, लिखा है ऑफ द टू प्रोपोजल्स। बच्चों जब हम दो प्रोपोजल की बात करेंगे तो हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, समझ में आ रही है बात। दो प्रोपोजल है तो क्या बनेगा, वी थिंक द सेकेंड इज द मोर अट्रैक्टिव, तो यहां पे मोस्ट की जगह बच्चों मोर आ जाएगा, बस ये गलती है हमारी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, अगेन आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव कहता है इफ आई रॉट टू माई फादर नाउ ही विल रिसीव द लेटर टुमारो। तो बताओ बच्चों इसमें कहां पे गलती है, इफ आई रोट टू माई फादर नाउ ही विल रिसीव द लेटर टुमारो, कैसे बनाएंगे हम इसमें, क्या गलती देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है रूबी, ऑल राइट संजीव जी, स्वाति बिल्कुल, स्वाति आपके कमेंट आ रहे हैं, ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। देखो ध्यान से, इफ आई रोट टू माई फादर नाउ, तो नाउ अगर आया है बच्चों तो क्या बनेगा, प्रेजेंट बनेगा, तो लिखेगा यहां पे इफ आई राइट, तो बजाय पास्ट इंडेफिनिट के हम क्या, तो आपको पता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड, भाई जैसे यहां पे यस्टरडे होता तो 100% यहां पे रोट होता, पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन क्योंकि यहां पे नाउ लिखा हुआ है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो आंसर हमारा क्या बन गया, ए। काफी बच्चों ने इसको बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आ रहे, बिल्कुल ठीक है अनिका संजीव स्वाति जी, बिल्कुल ठीक है नितेश, बहुत अच्छे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, दिस रोड इज वर्स्ट देन, देखो क्या लिखा है, दिस रोड इज वर्स्ट देन एनी अदर रोड ऑफ द सिटी, या फिर नो एरर मिलेगी आपको, बताइए क्या बनाएंगे आंसर। अच्छा समझ नहीं आ रहा है, दीक्षा बेटा देखना शुरू करो इसको, मतलब ये आपको एरर देखनी है कि किस पार्ट में इंग्लिश की ग्रामर की एरर यहां पे है, और वो एरर हमें तब समझ में आती है जब हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आते हों, लेकिन आप इसमें कोशिश करो देखने की, बिल्कुल समझ में आएंगे। बी में आप गलती बता रहे हैं, ओके नाजिया हीना बहुत अच्छे, अंशु बहुत अच्छे, नितेश वेरी गुड, तो बिल्कुल सही बच्चों ने जवाब दे दिया है। देखोगे दिस रोड इज वर्स्ट देन, बच्चों जब देन की बात आ रही है तो वर्स्ट नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, वर्स लगाएंगे, डब्ल्यू ओ आर एस ई। सबको पता है कि बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट। समझ में आ रहा है सब बच्चों को, तो बैड वर्स वर्स्ट, तो यहां पर वर्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियसली देन है, कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वर्स बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी आंसर वुड बी देयर। जी रैकी बेटा समझने की कोशिश करो, मतलब इसमें सिर्फ आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि कहां पे एरर है, अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उस तरह से आप देखना शुरू कर दो। ठीक है जी, अच्छा बफरिंग वाली कंडीशन हो रही है इसमें, ओके लेट मी चेक इट। ठीक है बच्चों, मैं एक बार बफरिंग को चेक कर लेता हूं अच्छी तरह से कि ऐसी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, लेट मी चेक इट नाउ। एक मिनट के लिए सब बच्चे वेट करेंगे, वेट फॉर वन मिनट। अच्छा बफरिंग होनी तो नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है यहां से बच्चों, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, नाउ एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो ठीक है आंसर सेवन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे तो देखो क्या बनेगा आपका आंसर, फाइंड आउट करें। आपको क्वेश्चन नंबर सेवन को देखना है, द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। तो बताओ बच्चों इसमें कहां पर गलती मिलेगी आपको, वेयर वुड बी एरर। यस सेवन का बी आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सब बच्चे देखेंगे जब कभी हम दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ते हैं, लाइक यहां पे ड्राइवर है और यहां पे कंडक्टर है, तो हमें पता है एज वेल एज से जुड़ने पे
पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है तो बच्चों वर्ब आर नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगा, इज बनेगा। ये गलती हमारी है। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इतना नहीं है एज वेल एज, बल्कि और इसमें क्या क्या आते हैं, एज वेल एज आएगा इसमें बच्चों, इंक्लूडिंग आएगा, यहां पे एक्सक्लूडिंग होगा, यहां पे आपका एंड नोट होगा, एंड नॉट, यहीं पे आपका विद होगा, टुगेदर विद होगा, यहीं पे आपका अलोंग विद होगा, अलोंग विद। तो ये सारे वर्ड्स जब भी आते हैं और दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 नंबर क्या कहता है, सम पीपल्स फील दैट नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन। तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या फिर सेंटेंस में गलती है? सबको पता है कि पीपल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहता है, उसका मीन्स होता है लोग, और वो प्लूरल है, पीपल आर। तो पीपल सम यूज नहीं करेंगे बच्चों, करेक्ट बात है कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर दे दिया आप लोगों ने। हां जी बिल्कुल सही है, जायरा, संजीव, रीना, प्रीति, फरहा, बिल्कुल ठीक। यहां पे हम पीपल्स की बजाय क्या यूज करेंगे, ओनली पीपल। अब अगर कहीं हमें कंट्रीज की बात करनी होती, हमें अगर डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक यहां पे हम बात करते किसी ट्राइब्स की बात करते या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट एक्सेट्रा की बात करते, तब हम यहां पे पीपल्स यूज कर सकते थे। लेकिन यहां पे सम पीपल का मीन्स लोगों से है तो हम सिर्फ पीपल बनाएंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे बच्चों, ए आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फाइंड आउट करनी है एरर, शी टोल्ड हर मदर दैट शी इज बिजी। तो बताएं इसमें क्या गलती है, जरूर फाइंड आउट करना है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है नंबर 9। आपको टेंस वाली यहां पे कंडीशन फुलफिल करनी है, टेंस वाली कंडीशन, और कैसे फुलफिल करेंगे सब बच्चे बताएं। लाइक यू सी, शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी मदर को बताया, तो भाई किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, दैट शी इज बिजी, तो इज थोड़ी होगा, क्या बनेगा यहां पे, वॉज बनेगा, शी वॉज बिजी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, सी पार्ट में एरर है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे, करेक्ट आंसर जा रहा है, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आफ्टर लिसनिंग टू लिटिल ओप सॉन्ग्स शी स्विच्ड ऑफ द रेडियो। तो बताएंगे सब बच्चे, आफ्टर लिसनिंग टू लिटिल ओप सॉन्ग्स, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है या फिर ये गलत है? जी अनु, वेरी गुड इवनिंग। फरा बी कह रही है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है फरा, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे आफ्टर लिसनिंग टू, तो जब आपको लिखा है यहां पे लिटिल ऑफ सॉन्ग्स, ये गलत है, क्या बनेगा यहां पे, सम ऑफ सॉन्ग्स, है ना, क्योंकि लिटिल बेसिकली किसको दिखाता है, लिटिल दिखाता है बच्चों किसी पर्टिकुलर अनकाउंटेबल थिंग को, जबकि सम किसको दिखाता है, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों को, तो सम ऑफ द सॉन्ग्स बनेगा ना कि लिटिल ऑफ सॉन्ग्स, तो यहां पे सम आ जाएगा, आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। तो बी पार्ट में हमारी एरर है। फर्स्ट में हम चेंज कैसे करेंगे नाजिया, आफ्टर लिसनिंग टू की जरूरत ही नहीं है, यहां पर कोई चेंज की जरूरत नहीं बनेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कहां गया हमारा 10 क्वेश्चन, अच्छा 10 तो हो गए हैं। सो बच्चों हमने 10 क्वेश्चन अपने फर्स्ट नंबर के कर लिए हैं जो टोटल किसमें आते थे, कॉमन एरर्स में। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1-5, मैं आपको बता दूं मैंने थोड़ी सी वैरायटी को इसमें लिया है जिससे सभी बच्चों का वर्क पूरा हो, मतलब वेदर इट इज सुपर टेट, वेदर इट इज टेट और सी टेट, यूपी टेट एटसेट्रा, और वेदर इट इज एलटी। तो अब जो क्वेश्चंस आपके हैं ये बेस्ड हैं आपकी वोकैबुलरी पे। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंटेन्स अ वर्ड गिवन बिलो फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और फ्रेजेस, सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेज मस्ट नियरली अपोजिट, इस पे फोकस करना है आपको। इसका मींस बच्चों आपको किसको देखना है, एंटोनिम को, आपको कहां पे फोकस करना है, एंटोनिम पे। तो देखो यहां पे सबसे पहला वर्ड लिखा है अडेप्टेबल, अडेप्टेबल, तो बताओ अडेप्टेबल का अपोजिट क्या बनेगा, एडोप्टेबल, फ्लेक्सिबल, यील्डिंग या बच्चों रिजिड। बिल्कुल लिटरेचर के हैं बच्चों, लिटरेचर के क्वेश्चंस भी आपको 100% मिलेंगे यहां पे। फ्लेक्सिबल, ओके ठीक है। देखो अडेप्टेबल का मीन्स अडेप्टेबल बेसिकली फ्लेक्सिबल ही होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, अडेप्टेबल का मीन्स फ्लेक्सिबल है, जो आसानी से अडेप्ट हो जाए किसी भी मतलब वातावरण में ढल जाए या अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले।
लेकिन जब आप इसका अपोजिट देखेंगे तो बच्चों बनेगा रिजिड। रिजिड कैसा होता है? जो अडेप्ट ना करे, फ्लेक्सिबल ना हो। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे? डी आंसर होगा। करेक्ट बात है संध्या, बिल्कुल ठीक है। हां जी बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। तो अडेप्टेबल का उल्टा बनेगा आपका रिजिड। और अगर हम इसके सिनोनिम देखें तो बच्चों हमारा सिनोनिम ये फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और यील्डिंग, ये तीनों ही बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बिजी। देखो कितना आसान वर्ड है, बिजी का आपको अपोजिट देखना है, ऑक्यूपाइड, एनग्रोस्ड, रिलैक्स्ड या बच्चों एंगेज्ड। अब खुद बताइए आप लोग यहां पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए। अच्छा सी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सी दिखना चाहिए था बेटा। ओके सी, बहुत अच्छे, ये तो पकड़ लिया आप लोगों ने भाई। बिजी का मीन्स होता है व्यस्त, तो ऑक्यूपाइड भी व्यस्त है, एनग्रोस्ड भी व्यस्त है, एंगेज्ड भी व्यस्त है, लेकिन रिलैक्स्ड का मीन्स है जो मस्ती कर रहा है, रिलैक्स है आराम से, तो आंसर हमारा सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, फ्लिमसी। तो बच्चों बताओ फ्लिमसी का मीन्स क्या होता है? फ्लिमसी का मीन्स ऐसा होता है, देखा ना आपने फिल्म जैसी, फिल्म देखा आपने कितनी पतली सी होती है फिल्म, इसका मतलब है बहुत ही कमजोर, नाजुक। कमजोर या नाजुक को हम फ्लिमसी कहते हैं। तो फ्रेल, फिल्दी और फ्लिपेंट ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो सी बना आपका फॉर्म, फॉर्म का मीन्स है मजबूत, तो ये इसका उल्टा बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। बहुत अच्छे, हां जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रेलिंकिस। रेलिंकिस का मींस होता है बच्चों बताइए क्या? छोड़ना, एबडिकेट करना, रिनाउंस करना, डिनाई करना। लेकिन ये जो वर्ड सी है आपका, पजेस करना यानी उस पर अपना अधिकार दिखाना, ये उसका उल्टा बनेगा। तो रेलिंकिस का मींस है छोड़ना, जबकि पजेस का मींस है उस पर अधिकार शो करना। करेक्ट बात है सब बच्चों की, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15। देखो इसको तो बता सकते हैं आप लोग, माउंटेन। माउंटेन सब बच्चे जानते हैं कि माउंटेन होता क्या है बेसिकली। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेसिकली माउंटेन होता क्या है। जी एवरीवन, ओके बच्चों ने डी बताया आंसर, ए बताया प्रदीप बरखा, ओके डी, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सभी लोग। तो ध्यान से देखेंगे इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा। ओके हमें एक मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा है हमारा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस। बच्चों देखो ध्यान से अगर हम इसमें देखें तो क्या बनेगा, बेसिकली हमें इसको थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा एक बार। हाँ जी अब ठीक है, अब हो गया ऐसा ही। तो बच्चों माउंटेन को अगर हम देखेंगे, माउंटेन का मीन्स पर्वत से होता है, तो देखो प्लेन, प्लेट्यू और वैली है ना। अब आप देखेंगे पैसिव्स, ये प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया और पैसिव, ये तीनों कैसे हैं? ऊपर, मतलब किसी सरफेस के ऊपर होंगे हमेशा। प्लेन यहां पे होगा, यहां पे प्लेट्यू ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, पैसिव पीछे। लेकिन वैली जो होती है वो गड्ढे में होती है, वैली का मीन्स है खाई। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। मैक्सिमम बच्चों ने डी बताया, बहुत अच्छे सभी बच्चे। तो आंसर बच्चों 15 का हमारा क्या होगा? वैली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 to 21, वी डू हैव दीज डायरेक्शंस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो द शो क्लोज रिलेशन विद द वर्ड्स। आपको क्लोज रिलेशन को शो करना है इसमें, तो जरा देखेंगे कैपिटल वर्ड्स में लिखा है। जैसे 17 का हमारा बनता है वी और आर। सब बच्चे जानते हैं वी सब्जेक्टिव केस है और आर कैसा है? पजेसिव केस। तो हमें सब्जेक्टिव और पजेसिव केस का एक रिलेशन बनाना है। तो आपको देखना है नीचे वालों में कि किसमें हमारा रिलेशन बनेगा। हाँ जी डेली लगभग बेटा हमारे आज 40 क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम देखें वी और आर, बताइए इसमें से कौन कौन सा बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा या बच्चों ई बनेगा। 5 ऑप्शंस आपके पास में है, ई बता रहे हैं सब बच्चे, बहुत अच्छे वेरी गुड। अगर हु देखेंगे आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस, जबकि हु जिसका कैसा है? पजेसिव केस। तो आंसर हमारा ई बनेगा, वेरी गुड, करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहां पे लिखा है स्लीक या ग्लॉसी, स्लीक या ग्लॉसी। तो स्लीक ग्लॉसी में जो एक हमारा रिलेशन बनता है वो किस किस में बना है, कॉन्ट्राइव अनरिपेंटेंट, रैपिड या टेटेड, वेपिड या कंप्लीट, डिजेक्टेड या जुबिलेंट, या फिर क्रेडिबल एंड बिलीवेबल। तो आंसर बताएं सब बच्चे इसमें क्या बनाएंगे, ग्लॉसी यानी चमक वाला, स्लीक यानी चमक वाला। ई शालू, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, एग्जैक्टली हमारा आंसर कहां पे आएगा, ई पे, क्योंकि स्लीक और ग्लॉसी दोनों एक जैसे वर्ड हैं। तो क्रेडिबल या बिलीवेबल दोनों एक ही जैसे होती हैं, ट्रस्टवर्दी यानी दोनों, तो आपस में दोनों कैसे हैं, सिनोनिम। तो हमारा आंसर कहां पे आ गया, ई पे बन गया। बहुत अच्छे बच्चों, जी संजीव करेक्ट आंसर है, अनु रूबी पलक बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, देखो क्या लिखा है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बच्चों, जिसमें हम किसी का भविष्य बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी क्या होती है, जिसमें किसी का भविष्य बताते हैं। तो अब आप देखो इसमें से कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल एक ही चीज कहता है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी। तो सिंबोलिज्म सुपरस्टिशन, जियोलॉजी ज्योमेट्री, मैजिक साइंस, केमिस्ट्री अल्केमी, या फिर फोल्क्लोर और फेबल। आंसर करें सब बच्चे। ऑल राइट बच्चों, देखो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों बिल्कुल एक ही मींस दे रहे हैं, तो इसी तरह से फोकलोर और फेबल दोनों ही कहानियां हैं, है ना, दोनों ही क्या बनती है बच्चों, कहानियां। तो आपस में सिनोनिम है, तो इन दोनों सिनोनिम को हम ध्यान में रखेंगे, तो आंसर हमारा फिर से क्या बनेगा, ई बन जाएगा यहां पर। गेटिंग एवरीवन। तो देखो इसमें देखने के हमारे कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, और मैं आपको बता दूं सी टेट से लेके यूपी टेट से लेकर सुपर टेट, इनमें ये खूब वर्ड्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी। बेसिकली क्या है, भविष्यवाणी हम इनको कहते हैं, मतलब किसी पर्सन के हाथ को देख के, या फिर लाइक हम प्लेनेट्स होते हैं, प्लेनेट्स की मोशन को देख के। आपने सुना ना कि राहु उस राशि में चला गया और केतु उस राशि में चला गया, सूर्य इस राशि में ग्रहण कर रहे हैं, वो सारा जो होता है वो बच्चों इस एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में आता है ना। यानी कि इनके मूवमेंट के थ्रू जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस। जबकि फोकलोर और फेबल दोनों कहानियां हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है शालू, ऑल राइट, करेंगे बेटा शुरू सुबह की भी। अब देखो बच्चों इसमें 20 नंबर पे हम देखेंगे डफ और ब्रेड। डफ क्या होता है और ब्रेड क्या होता है, ब्रेड होती है आपकी रोटी, करेक्ट बात है कि नहीं, जबकि डफ क्या होता है, जो आप आटा गूंथते हैं, गुथा हुआ आटा। तो आप क्या डफ से क्या बनाते हैं, आप ब्रेड बनाते हैं। तो बताओ इसी तरह से क्या वर्ड से स्पीच बनाएंगे, पेपर से राइटिंग बनाएंगे, कोल्ड से आइस बनाएंगे, इंक से पेन बनाएंगे, शुगर से केक बनाएंगे, बताओ ऐसा कौन सा बनेगा बच्चों। जैसे ए बनेगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड हीना, प्रदीप, दीक्षा, बहुत अच्छे बच्चों, प्रदीप वेरी गुड, सभी ने सही आंसर। भाई इस तरह से जैसे हम डफ से ब्रेड बनाते हैं, वर्ड से हम क्या बनेंगे, स्पीच बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, है ना। स्पीच का मींस क्या बनेगा यहां पे, सेंटेंस से, वेरी गुड। चलो मुझे खुशी हो रही है कि बच्चे समझ पा रहे हैं चीजों को और बच्चे कैच कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 21 पे। 21 कहता है इंजीनियर कैब। जैसे इंजीनियर और कैब का रिलेशन है, वैसा किसका बनेगा, शेफर्ड फ्लॉक, पैसेंजर टैक्सी, सेलर केबिन, ड्राइवर व्हील, एविएटर कॉकपिट, बताइए बच्चों। हां बेटा कल होगी क्लास रोहित, करियर विल वाली क्लास आपकी कल होगी, तो बताइए बच्चों क्या बनेगा आंसर। इंजीनियर की जैसे कैब से रिलेटेड है, तो शेफर्ड किससे रिलेटेड है। 21 का बच्चों आंसर आपका ए आएगा। जैसे शेफर्ड इंजीनियर कैब को रिलेट करता है, शेफर्ड किसको रिलेट करता है, फ्लॉक को, क्योंकि इंजीनियर कैब को चलाता है और शेफर्ड फ्लॉक को चलाता है। फ्लॉक का मीन्स होता है भेड़ों का झुंड, समझ पा रहे हैं सब बच्चे। तो 21 का आंसर आपका ए बन जाएगा। अब बच्चों हम आते हैं आपके लिटरेचर वाले पोर्शन पे। ये सारा पोर्शन आपका कौन सा है, लिटरेरी पोर्शन शुरू हो चुका है। तो बताएंगे सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये किसने लिखी थी, एफ आर लेविस ने, टी एस इलियट ने, रस्किन ने, या फिर बच्चों जेम्स जॉयस ने, क्या आंसर बनाएंगे। जी मीनाक्षी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब बच्चे बताएं हु इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो आंसर हमारा बच्चों बनेगा यहां पर सी, जेम्स जॉयस। तो जेम्स जॉयसी को हम देखेंगे आंसर, इन्होंने लिखा था पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, करेक्ट बच्चों। हां जी बहुत अच्छे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
इन रस्किन्स बुक कौन सी बुक है? सीजम एंड लिलीज। व्हाट डू द लिलीज सिंबलाइज? यहां पे लिलीज क्या सिंबलाइज करती हैं? पूरा नेम क्या है? सीजम एंड लिलीज। किसने लिखी है बच्चों? रस्किन ने लिखी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसे कैसे करेक्ट करेंगे बताइए? हाउ वुड यू मेक इट करेक्ट? फाइंड आउट, आप इसे कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों? क्वेश्चन कितना है आपका? 23। यस, तो 23 का अगर देखें हम तो बी बनेगा बच्चों। आंसर हमारा क्या होगा यहां पे? बी। पकड़ पा रहे हैं? सीजम एंड लिलीज में जो लिलीज है वो किसको दिखाते हैं? प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ वुमेन। वुमेन के प्योरिटी और इनोसेंस को शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, सिंबोलिक रूप में दिखाती हैं। हां, सीटेट में तो बेटा हम नहीं कह सकते कि पक्का आएगा, लेकिन ये आपके यूपी टेट और आपके सुपर टेट और एलटी इन सबके लिए जरूरी है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ रस्किन्स सीजम एंड लिलीज? सीजम एंड लिलीज की बेसिकली जो हमारी सेंट्रल थीम है वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। हां जी, क्या आंसर बनेगा सब बच्चे बताएं? What should be the answer? C आंसर बताया आपने रोहित, आपने B बताया, ठीक है बच्चों। इसका आंसर अगेन B बनेगा हमारा। Wealth of wisdom contained in the books, ये आंसर है हमारा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? B for Bombay। तो सेंट्रल थीम ऑफ रस्किन सीजम एंड लिलीज इज वेल्थ ऑफ विजडम कंटेंड इन द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम, देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी? टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी किसने लिखी है? तो बच्चों इट वॉज रिटन बाई ईएम फॉरेस्टर। सब बच्चे समझते हैं ईएम फॉरेस्टर? ईएम फॉरेस्टर हैज रिटन टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। गेटिंग एवरीवन? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बना। हु इज द ऑथर ऑफ कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ये बुक किसने लिखी थी? कौन इसका ऑथर बन चुका है? विलियम हेजलेट, थॉमस लव पीकॉक, चार्ल्स लैम्ब या फिर डी क्विंसी? 25 का बी। ओके ठीक है, पीछे वाला बता दिया सब बच्चों ने। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको 26 का, तो व्हाट शुड बी द आंसर? जायरा बी कह रही हैं, ए कहा है आपने। ओके सी, संजीव करेक्ट बिल्कुल, ये सी बनेगा बच्चों। मैंने कई बार सबको बताया थॉमस डी क्विंसी जबरदस्त जबरदस्त ओपियम ईटर थे, सबसे ज्यादा ओपियम खाने वाले, और ओपियम खा के उन्होंने क्या लिखा था? कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। समझ में आ रही है बात आपको? और बच्चों किसमें मैं आपको बता दूं, ही वॉज अ रोमेंटिक, वो रोमेंटिसिज्म में थे, रोमेंटिक पॉइंट थे, सबको पता है इस बात का जी। इसी का सीटेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे सब बच्चे, हु इज द ऑथर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज? ह्यूमन बॉन्डेज के ऑथर कौन है? सब बच्चे आंसर करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट शुड बी द आंसर? यस बच्चों, आंसर करें सब लोग। ओके देखो, इसका भी बी बनेगा हमारा आंसर, सोमरसेट मॉघम। सोमरसेट मॉघम, तो सोमरसेट मॉघम हैड रिटन ह्यूमन बॉन्डेज। अगला क्वेश्चन 28, मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील्स विद? सब बच्चों को पता है कल्चर एंड एनार्की हैड रिटन बाई मैथ्यू आर्नोल्ड, तो इसका ये किससे डील करती है? रिलीजन से, थियोलॉजी से, सिविलाइजेशन से, या बच्चों एथिक्स से, किससे डील करती है? बी आंसर शालू ने कहा है। ओके ठीक है, रोहित आपने ए कहा है, पलक 27 का, अच्छा पीछे वाला आंसर दे रहे हैं सब बच्चे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कल्चर एंड एनार्की बेसिकली एथिक्स पे डिपेंड करती है ना? किस पे करती है? एथिक्स पे। इट टॉक्स अबाउट एथिक्स, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ आर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा? लिटरेचर एंड डोगमा जो आर्नोल्ड ने लिखी थी, इसकी बेसिक थीम क्या थी? क्रिटिसिज्म, थियोलॉजी, सोशल वैल्यूज या आर्ट एंड लिटरेचर? क्या आंसर करेंगे सब बच्चे?
तो आंसर बनेगा बच्चों थियोलॉजी। ये थियोलॉजी पे बेस्ड थी, इट वॉज बेस्ड ऑन थियोलॉजी। थियोलॉजी को अगर हम देखें तो इसका मीन्स क्या बनता है, हमारा मीन्स बच्चों बनता है इसमें स्टडी ऑफ रिलीजन। हां जी, वेरी गुड, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में लिखा है बच्चों, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ स्विफ्ट, क्या नाम है वर्क का, द बैटल ऑफ द बुक्स। तो बताओ बैटल ऑफ द बुक्स में आप क्या देखते हैं, जोनाथन स्विफ्ट ने जबरदस्त क्या लिखा है आपका, मोक एपिक है ना। तो देखो यहां पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट पोएट्स, कॉम्पिटेटिव स्प्रिट अमंगस्ट ऑगस्टन कंटेम्परेरी ऑथर्स या बच्चों अमंगस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स। तो बैटल ऑफ बुक्स में 30 का ए रीना ने कहा है। ओके, वेरी गुड। अच्छा अच्छा शालू, ठीक है बेटा, बताएंगे अभी आपको इसके बारे में भी। ए बिल्कुल सही है संजीव, ये करेक्ट आंसर ए जा रहा है भाई। बैटल ऑफ द बुक्स में क्या देखते हैं, मॉडर्न और जो एंशिएंट पोएट्स हैं यानी उनकी बुक्स हैं, उनके बीच में लड़ाई का होना, उनकी कंपैरेटिव स्टडी होना है ना। यही स्विफ्ट का यहां पे क्या था, एक पर्पज था इस पर्टिकुलर वर्क में। राइट बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है रीना, याद आ रहा है आपको, बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। हु इज द ओपियम ईटर, हु इज द ओपियम ईटर इन डी क्विंसिस कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। तो बताइए बच्चों, डी क्विंसी हिमसेल्फ है, कॉलरिज है, रॉबर्ट सऊदी है या फिर हेजलेट है। अब ये भी आपने पीछे क्वेश्चन भी देखा था इस पे बेस्ड। जी बच्चों आंसर कीजिए, ए बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा बनेगा बच्चों डी क्विंसी हिमसेल्फ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ हीरोज एंड हीरो वर्शिप। हीरोज एंड हीरो वर्शिप किसने लिखी, अब्राहम काउले, एडमंड बर्क, गिबन या फिर बच्चों कार्लाइल। क्या आंसर बनाएंगे आप लोग, तो आंसर हमारा बनेगा बच्चों यहां पे डी, डी आंसर बनेगा, इट वॉज थॉमस कार्लाइल। तो थॉमस कार्लाइल हैड रिटन हीरोज एंड हीरो वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड, द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड के ऑथर कौन थे, हमें फाइंड आउट करना है। बताइए सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या बनेगा, तो आंसर होगा हमारा सी, थॉमस फुलर। इट वॉज थॉमस फुलर हु हैड रिटन द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। जी बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू अटलांटिस। सब बच्चों को बताना है, 100% होना चाहिए इस क्वेश्चन में, गलती नहीं होनी चाहिए। ऑथर ऑफ द न्यू अटलांटिस ये किसने लिखा था, मिल्टन ने, रॉबर्ट बर्टन ने, थॉमस ब्राउनी ने या फिर बच्चों फ्रांसिस बेकन ने। बेकन, बहुत अच्छे रोहित, वेरी गुड, रीना वेरी गुड, विनीता बहुत अच्छे। ये बच्चों हमारे फ्रांसिस बेकन हैं, सब लोग जानते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ, बताइए किसके फादर थे ये, ही वॉज द फादर ऑफ, हां जी बहुत अच्छे, किसके फादर थे, ये कौन सी टर्म इनके साथ में जुड़ी है। हां जी, एम्पिरिसिज्म, बिल्कुल सही है। एंड ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। तो इंग्लिश एसेज के और एम्पिरिसिज्म दोनों के फादर उनको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। साइंटिफिक एटीट्यूड के पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द ऑथर ऑफ इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस। इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस के ऑथर बच्चों कौन थे आपके, बताएंगे सब बच्चे, आंसर करेंगे। जी दीक्षा बिल्कुल, आपका कमेंट आ रहा है बेटा। तो 35 का आंसर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट। जी तो बच्चों आंसर बनेगा हमारा ए, सेवेज लैंडर। तो सेवेज लैंडर हैड रिटन द इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन, करेक्ट बात है। हां जी, ए आंसर बन जाएगा बच्चों आपका। अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 36, बताइए हु डिफाइंस द एशे एज। एशे को कैसे डिफाइन किया है, अ लूज सेली ऑफ माइंड। अ लूज सेली ऑफ माइंड एशे को कौन कहता है, वॉकर, ड्राइडन, सेंसबरी या बच्चों जॉनसन। बताइए किसने कहा है एशे को अ लूज सेली ऑफ द माइंड। 36 का आंसर करना है। जी वानी, वानी आई थिंक पिंकी, पिंकी गुड इवनिंग।
संजीव ए आपने कहा है, ओके ठीक है। अनंता 36 का ए आपने आंसर दिया है। बेटा यह आंसर आपका बनेगा सी, यहां पे सी, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन हैड सेड और डिफाइंड एशे एज द लूज सेली ऑफ माइंड। पकड़ में आ रहा है सब बच्चों को? 36 का आंसर आपका सी बनेगा। हां जी करेक्ट बच्चों, हां जी सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिलीव टू बी द फादर ऑफ एशेज। फादर ऑफ एशेज किसको कहा जाता है? प्लेटो को, एरिस्टोटल को, मॉन्टेन को, या फिर बच्चों होरेस को? बहुत जरूरी आंसर है देना आपका, इसमें गलती नहीं करनी है। आंसर कीजिए, हु इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ एशे। वेरी गुड रूबी, रीना, जायरा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है ये बच्चों, माउंटेन बनता है, माउंटेन है ना। तो माउंटेन सबसे पहले इन्होंने एशेस लिया था वर्ड, है ना, जिसका मींस था टू पुट एफर्ट्स, टू मेक एफर्ट्स। बिल्कुल सही है संजीव, संध्या, गुड, वेरी गुड बच्चों, रोहित, जायरा, प्रीति, जूली, रूबी, अनंता, संजीव, पलक, बहुत अच्छे। चलिए देखो मजा आ रहा है बात में कि आप आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। Who is the most important writer of the aphoristic essays? देखो क्या लिखा, aphoristic essays, है ना, in English. English में aphoristic essay को लिखने वाले important writer इनमें से कौन से हैं? Find out करें सब बच्चे, 38 का answer. Question number 38. तो बच्चों आंसर आपका क्या बनेगा? 38 का आपने ए बताया है, बेन जॉनसन, ओके, एफोरिस्टिक लिखा है बेटा, बेन जॉनसन ने तो ऐसे लिखे ही नहीं। अच्छा पकड़ में, ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है रोहित, इट्स गुड। तो बच्चों बेकन है, बिल्कुल सही बात है, बेकन, बेकन इज नोन फॉर द एज अ इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द एफोरिस्टिक एशेज, है ना, इसको ध्यान में रखना है सब बच्चों को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। Bacon's essays are modeled on the essays. बताओ ये essays, अभी भी मैंने बताया था essays किसके थे? प्लेटो के, एरिस्टोफेन्स के, मोंटेक के, या फिर बच्चों रोहेल, सॉरी राफेल हॉलिनशेड के? किसका आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए सब बच्चे। तो आंसर बी बनेगा, बहुत अच्छे बच्चों, ये मोंटेक बनेगा, है ना, मोंटेक ने शुरुआत की थी essays से, करेक्ट बात है, वेरी गुड एवरीवन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों आज का 40 नंबर, हाउ मेनी एशेज, क्या लिखा है यहां पे, हाउ मेनी एशेज वर देयर इन बेकन्स थर्ड एंड लास्ट एडिशन ऑफ एशेज पब्लिश्ड इन 1625। तो 1625 में जो लिखे थे उसमें कितने एशे थे? 28 थे बच्चों, 58 थे, 40 थे, या फिर 62 थे? सब बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे सब बच्चे, व्हाट शुड बी द आंसर? 28, 40, 58 या फिर 62? ओके, बताइए क्या आवाज आ रही है आपको बच्चों? अब आवाज ठीक हो गई है, अब आपको प्रॉपर आवाज आएगी। तो आंसर जो हमारा बच्चों बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का, ये आंसर हमारा 58 होगा, ठीक है जी। तो बच्चों आज की क्लास को हम ओवर करते हैं जी।
तो सभी बच्चे ध्यान दें, आज हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं जो सारे एग्जाम्स के लिए प्रॉपर हैं। यहाँ पे मैं और थोड़ी सी क्वालिटी इन क्वेश्चंस की बढ़ाने वाला हूँ, मैं इस पे लगातार वर्क कर रहा हूँ जिससे सब बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट इससे हो पाए, प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको मिल पाए, एक अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए। सब बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऑलराइट। और बच्चों इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से, ठीक है बच्चों। और कोई अगर सजेशन हो तो सजेशन भी आपको देते रहेंगे साथ साथ, जिनको मैं फॉलो अप करता हूं, जो हम कर सकते हैं उनको हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं जी, ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।